गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग की ओर से संपूर्ण भारतवर्ष में भाषा संगम के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान चलाया जा रहा है। मैंने अभी एक वाक्य को दोबारा दोहराता हूँ, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पीछे का एक मूलभूत कारण है कि बहुत सारे लोगों ने, कवियों ने कहा है कि चार चार कोस पर बदले पानी और बदले वाणी। जही कहीं हम जाते हैं तो उन जगह पर पानी और वाणी में बदलाव आता है। मगर संपूर्ण भारत में अनेक भाषाएं बोलने के बाद भी, संपूर्ण भारत में अनेक जाति परंपराएं रहने के बाद भी, संपूर्ण भारत की अलग अलग संस्कृतियां होने के बाद भी भारत एक है और श्रेष्ठ है। इसका मूलभूत कारण है कि इन सभी भाषाओं को, इन सभी परंपराओं को एक सूत्र में बांधने का काम हिंदी भाषा ने किया है। आज की हमारी भाषा है हिंदी। हिंदी के प्रति हम कहना यही चाहते हैं कि भारत माँ के माथे की बिंदी हिंदी को माना गया है, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में हम सभी लोग हिंदी को अधिक से अधिक बोलते हैं, हिंदी को अधिक से अधिक लिखते हैं। इतना ही नहीं तो हिंदी हमारे तन मन से बाहर निकलने वाली एक मूलभूत भाषा है। जिन भाषाओं के प्रति सभी बच्चों के प्रति लगाव हो, इन भाषाओं के प्रति सभी बच्चों के मन में एक श्रद्धा हो। हिंदी एक ऐसी वाणी है कि पहले कंप्यूटर जब भी हम देखते थे तो लोगों के मन में कहना था कि अंग्रेजी और कंप्यूटर, अंग्रेजी और संगणक, इन दोनों का एक अटूट संबंध है। मगर आज के जमाने में सबसे अधिक से अधिक कंप्यूटर पर उपयोग में लानी जाने वाली भाषा हिंदी है। इतना ही नहीं है कि गूगल ने आज हिंदी टाइपिंग टूल्स भी अवेलेबल कर दिया है, उपलब्ध कर दिया है। क्योंकि हम संगणक को जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो बहुत सारे ऐप हिंदी में भी आज प्रचलित चले आ रहे हैं। कि हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं तो पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में चौथे क्रमांक पर हिंदी को बोला जाता है और सबसे ज्यादा 94% लोग हिंदी को अपनाते हैं। चीन के बाद हिंदी को स्थान दिया गया है। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हिंदी एक अपने राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हो। दयानंद सरस्वती का भी कहना था कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो। भारत के संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। इतना ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में चलने का, घूमने का, फिरने का अधिकार जिन जैसे लोगों को दिया है, उसी प्रकार से सभी लोगों को हिंदी बोलने का अधिकार दिया गया है। हिंदी हम सभी लोगों की एक जनमानस की भाषा है। हिंदी की खास वैशिष्टता एक कह सकते हैं कि हिंदी में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं और जो समझते हैं वही हम लिखते हैं। क्योंकि हिंदी का अनेक अर्थ नहीं होते हैं, कहता कि हिंदी एक सरल भाषा है। इसीलिए हिंदी के वजह से ही संपूर्ण भारत में एक राष्ट्र प्रेम उद्दीक होगा और राष्ट्र की अखंडता को, एक श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए हिंदी का सबसे बड़ा योगदान होगा। चलिए हम हिंदी भाषा को आज दोहराते हैं। जैसे कि हिंदी में हम हेलो कहते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में हम नमस्कार कहेंगे। चलिए बोलिए नमस्कार, फिर से नमस्कार, नमस्कार। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? 6700 आवाज नहीं आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। 8900 मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरा नाम लक्ष्मी है। आप कैसे हो? आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। इस प्रकार से हिंदी भाषा का प्रयोग हर दिन करना है। अभी इन भाषाओं का प्रयोग हमारे विद्यालय की छात्रा आर्या गरट आपके सामने करने के लिए मैं उसे आमंत्रित करता हूं। हेलो, नमस्कार। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? माय नेम इज लक्ष्मी। मेरा नाम लक्ष्मी है। हाउ आर यू? आप कैसे हो? आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। हेलो, नमस्कार। व्हाट इज योर नेम? प्लीज रिपीट आफ्टर मी। हेलो, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार,
व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? माय नेम इज लक्ष्मी. मेरा नाम लक्ष्मी है. मेरा नाम लक्ष्मी है. हाउ आर यू? आप कैसे हो? आप कैसे हो? आई एम फाइन. मैं ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. थैंक यू.